match with Charlotte Smith and you. So guys, up to like, I hope so that you all are doing well in your life, and like always, you should be super super happy in your life. तो आज का जो वीडियो है ये काफी ज्यादा डेंजर वाला वीडियो असणार आहे आणि खूपच जास्त इंटरेस्टिंग वीडियो असणार आहे. इसलिए वीडियो जो है स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा देखना. अगर आप लोग एंड तक नहीं देखोगे तर हा वीडियो तुमच्या काय कामाचा नाहीये. इसलिए मैं क्लियर करूंगा, स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज का जो वीडियो ये खास करके होने वाला है कुछ ड्राइवर भाइयों में, कुछ ड्राइवर्स है जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं उन लोग के ऊपर. तो आज का ये जो वीडियो है प्लीज फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा एंड तक जरूर देखना. तो चलो फिर देर किस बात की, फटाफट से आज के इस वीडियो की तरफ शुरुआत करते हैं. तो आज का जो वीडियो है, जैसे मैंने बताया कि ड्राइवर लोग फ्रॉड कर रहे हैं उसके ऊपर होने वाले, तो मैं मुद्दे का जो पॉइंट है यानी कि मेन पॉइंट उसको मैं बाद में बोलने वाला हूं, और पहले एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं. क्योंकि कैसे बताएं, जब आप लोग एग्जाम्पल सुनोगे तभी आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये जो ड्राइवर लोग है ये लोग फ्रॉड कैसे करते हैं. अभी एग्जाम्पल के लिए मैं शुरुआत कर रहा हूं. सुबह सुबह आप लोग आपके घर से निकलते हैं, वैसे आप लोग अपने गाड़ी में बैठते हैं, लॉग इन मारते हैं, भाड़ा आते हैं, निकल जाते हैं, बराबर. शाम को आप लोग वाइन शॉप में जाते हैं, और वाइन शॉप में जाने के बाद आप लोग क्या करते हैं, मस्त में 1000 रुपये निकलते हैं. अन्ना बोलते हैं, अन्ना एक खंबा. अभी बहुत लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे कि भाई 1000 रुपये का खंबा नहीं है, 700-800 RC RS ये, तो वो बाद में देखते हैं अपन लोग बाद में, ठीक है. पहले मेन पॉइंट पे आते हैं. तो आप लोग क्या करते हैं, 1000 रुपये देते हैं अन्ना को, बोलते हैं अन्ना खंबा. अन्ना बोलते अपने लड़के को, ए एक खंबा निकल के दे रहे. वो लड़का जाते हैं अंदर, खंबा निकालते लेकर आते हैं, एनवलप में डालते, एक पेपर वाला एनवलप रहता है उसके अंदर डाल के आपको दे देते. आपको देने का तभी आप लोग के मन में क्या सोच चलते है, वाह मस्त है कि घर ही जाना, चिकन सीजनर मटन बनाऊंगा खाके, मस्त में चखने में मजा आएगा, और ये खंबे को पूरा खत्म कर दूंगा. आप लोग निकलते घर के लिए. घर के लिए निकलने के बाद आप लोग आते हैं, पूरा मन में प्लानिंग मस्त में चलता रहता है, ऐसा ऐसा अपन लोग करेंगे, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. पर बाद में क्या होते है, बाद में सीन ऐसा रहता है कि जैसे आप लोग एनवेलप में से खंबा खोलते हो, देखते हो चमाइला, ये खंबा नहीं है, ये बियर का बोतल है. यानी कि वो अन्ना ने आपसे 1000 रुपया लिया खंबे का, पर आपको दिया क्या रिटर्न में, 200 रुपये का बडवाइजर, यानी कि 200 रुपये का बियर का बोतल. अभी आप लोग क्या करोगे, आपके साथ तो फ्रॉड हो गया. आप लोग वहां पे रिटर्न जाके अगर अन्ना को बोलोगे कि अरे अन्ना आपने गलत आइटम दिया, वो क्या बोलेगा, आपको तभी देखना चाहिए था ना, आपने तभी देखा क्यों नहीं, बराबर वैसा वो बोलेगा. आता याच्यात चुकी कोणाची, तुमची कि त्या वाइन शॉप वाल्याची, बरोबर वाइन शॉप वाले का चुकी है. तो ऐसे टाइम पे अभी आप लोग क्या करोगे अगर आपके साथ ऐसा फ्रॉड होगा तो. तो अभी आते हैं मेन मुद्दे के पॉइंट पे. जो मुद्दा है वो ये है कि ओला उबेर में जितने भी ये लोग नए ड्राइवर है, जिनको 1 महीने से लेके 2 महीना, 3 महीना, 4, 6, 9 महीना हो गया है, और 1 साल तक हो गया ज्यादा से ज्यादा, वो लोग है ना फ्रॉड कर रहे हैं. अभी सब लोग नहीं कर रहे इनमें फ्रॉड, कुछ सिलेक्टेड ड्राइवर्स है वो लोग फ्रॉड कर रहे हैं. तो ये जो फ्रॉड है ये लोग कैसे कर रहे हैं मैं आपको पहले बताता हूँ. ये लोग को ओला उबेर में चलाने के लिए गाड़ी चाहिए. ओला उबेर में चलाने के लिए गाड़ी अगर इन लोग को चाहिए तो ये लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लोग जाएंगे शोरूम में. शोरूम में जाके ये लोग क्या बुक कर रहे हैं, मिनी गाड़ी. मिनी गाड़ी मतलब वैगन आर आ गई, उसमें सैलरी आ गई, या फिर अपनी एस्प्रेसो ये आ गई. ये तीनों में से जो भी इनको पसंद रहेगी वो लोग बुक कर रहे हैं, डिलीवरी ले रहे हैं गाड़ी की, गाड़ी इनके घर तक आ रही है. अभी आने के बाद सामने से कभी कभी ऐसा होता है कि एजेंट इन लोग को कॉल करते हैं ओला उबेर के, और सामने से कभी कभी ये लोग एजेंट को कॉल करते हैं ओला उबेर के. ये लोग एजेंट को कॉल कर रहे हैं ओला उबेर के, बोल रहे कि ऐसे ऐसे अटैच करना है. एजेंट बोल रहे हैं ठीक है, आप ऐसे ऐसे लोकेशन पे आ जाओ, आपकी गाड़ी अटैच हो जाएगी. एजेंट देखते हैं मस्त में गाड़ी का सब कुछ डिटेल वगैरह भर देते हैं अपने एप्लीकेशन में, इवन नाम वगैरह जो भी ड्राइवर भाई का रहेगा वो भर देगा. भरने के बाद यहाँ पे सबसे बड़ा घपला यहाँ पे स्टार्ट होता है. तो एजेंट क्या बोलते हैं, बताए भाई आपकी गाड़ी जो है वैगनर है ना, आप अगर मुझे 5000 रुपये एक्स्ट्रा दोगे ना, ओनली 5000, 5000 रुपये में मैं आपकी गाड़ी को मिनी से मैं प्राइम में कन्वर्ट कर दूंगा, यानी कि आपको प्राइम के बुकिंग आने के लिए चालू. अभी सामने से ड्राइवर है ना यहाँ पे थोड़ा भी सोचता नहीं है, वो सिर्फ इतना ही सोचता है कि मैंने 7 लाख रुपये इन्वेस्ट किए और वैगनर गाड़ी आ गई है, तो 7 लाख की जगह पे अपने को अगर 8.5 लाख वाली जो गाड़ी है उसके भाड़े मिल रहे तो ये तो कड़क है, मस्त है. वो क्या करते हैं, 5000 ना ये ले 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 फटाफट, ये ले 5000 ले, ऊपर से 100 रुपये टिप भी ले, फटाफट अपना ये जो कैटेगरी है चालू कर दे. एजेंट खुश, 5000 रुपये मिल गया, ड्राइवर भी खुश है. यहाँ पे मस्त में यहाँ पे जो कैटेगरी है वो स्टार्ट हो गया, यानी कि जो वैगनार गाड़ी इन लोगों ने खरीदी थी मिनी के लिए वो मिनी में नहीं चलेगी, वो चलेगी प्राइम में, ठीक है. अभी नेक्स्ट डे आते हैं, ये जो ड्राइवर है ये गाड़ी में अपने बैठते हैं, वैगनार एक्सप्रेस सैलरी जो भी इनकी गाड़ी रहेगी ये सब मिनी कैटेगरी वाले ड्राइवर है. ये लोग आते हैं अपने गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी को स्टार्ट मारते हैं, मस्त में लॉग इन मारते हैं. लॉग इन मारने के बाद पहला बुकिंग मिलता है, शायद से मिनी भी लगे या फिर प्राइम लगे, पर अपन लोग यहाँ पे यही एज्यूम करके चलेंगे कि इन लोग को प्राइम बुकिंग लग गया.
अभी लगने के बाद जब पोकेमोन बुक करते प्राइम गाड़ी, यहाँ पे पहले मैं क्लियर करूंगा, दो टाइप के पोकेमोन रहते हैं। एक ऐसा रहते हैं जिसने एप्लीकेशन में बुक करेगा तो वो तभी के तभी वेट करेगा देखने के लिए कि गाड़ी आ रहे नहीं आ रहे, तब तक वो अपने सेलफोन को ऐसे ही देखते रहेगा, वो स्टैचू हो जाते हैं। और दूसरा पोकेमोन रहता है ना, वो बिजनेस क्लास रहते हैं, वो लोग क्या करते पता है, गाड़ी बुक करते और गाड़ी बुक करने का जैसे उन लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा बाद में, या फिर सामने से ड्राइवर का कॉल आ जाएगा, तभी वो लोग नीचे उतरने के लिए चालू करते हैं। उन लोगों को पता है अपने कंपाउंड में आ जाएगा गाड़ी, आराम से उतर के बैठने के। अभी यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, एक जन जो पोकेमोन रहते हैं उसको पता रहता है गाड़ी कौन सा आने वाला है, दूसरा रहता है उसको पता ही नहीं रहता कौन सा गाड़ी आने वाला है। पर जब ड्राइवर का कॉल जाता है और वो ड्राइवर बोलते हैं, हेलो सर, यस मैं आपके पिकअप लोकेशन पे आ गया हूँ, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ, पोकेमोन बोलते हैं ठीक है मैं उतर रहा हूँ नीचे। अब पोकेमोन जैसे नीचे उतरते हैं, देखते हैं, वो शॉक होते हैं, त्याचे गोटे कपाळात, वो बोलते चाहिला मैंने ऑर्डर किया था प्राइम, ये आ गया वैगनर, यानी कि बुक किया था हाथी निकला चीटी, वैसा वाला हिसाब हो गया। अभी वो गाड़ी के बाहर रह के कैंसिल तो नहीं मारेगा, वो आते गाड़ी के अंदर बैठते, वो बोलते पहले ड्राइवर को कि भाई ये जो गाड़ी है मैंने बुक किया था वो मैंने प्राइम बुक किया था, तो वैगनर कैसे आई? अभी ड्राइवर भाई इसको तो सब कुछ पता रहता है, मतलब इसने चोर किया है पूरा, मतलब बोलते ना चोरी ये है, तो इसको तो हर एक चीज पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो अभी ये लोग क्या स्मार्ट करते हैं यहाँ पे वो मैं क्लियर करूंगा, अरे सर आप बैठो ना गाड़ी में, आपको क्या तकलीफ हो रही है, आपको एयरपोर्ट जाना है ना, अरे पर मेरे पास तो दो बैग है, अरे ठीक है ना सर ये वैगनर है, वैगनर में इसका सीएनजी नीचे आते है, डिक्की में जगह है ना सर, डिक्की में रख देते हैं अपन सामान, एक बैग आपका आगे वाली सीट पे आ जाएगा, आपको तो पीछे का सीट खाली है, आराम से सो के प्रवास करो। अभी वो बोलते हैं नहीं पर मैंने 150-200 एक्स्ट्रा भरा है ना प्राइम के लिए, अरे सर आपको एयरपोर्ट जाना है या फिर गाड़ी से मतलब है, आपको एयरपोर्ट जाना है ना, आपको मैं छोड़ दो ना एयरपोर्ट, अभी आप ये कैंसिल करोगे बाद में आप प्राइम के लिए वेट करोगे, ओला उबेर ने कंपनी ने डायरेक्ट चालू की है प्राइम, ऐसे लोग बोलेंगे। अभी यहाँ पे कस्टमर जो है उसका माइंड चेंज होता है, यानी कि वो राइड खत्म होने के बाद जब नेक्स्ट टाइम पोकेमोन को गाड़ी बुक करनी रहेगी तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, वो प्राइम सिलेक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मिनी ऑप्शन सिलेक्ट करेगा। क्यों पता है? क्योंकि उसको भी पता है कभी कभार मिनी में स्विफ्ट डिजायर और नहीं तो फिर अपनी एक्सेंट गाड़ी ये आ जाती है, तो प्राइम बुक करेगा ही क्यों जब उसको पता है कि प्राइम बुक करने के बाद भी कौन सी गाड़ी मिलने वाली है, वैगनर सेलेरियो, कशाला बुक करेल, नहीं करेल ना, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। अभी जितने भी प्राइम वाले उन लोग का भाड़ा कौन खा रहे हैं, ये सब मिनी वाले खा रहे हैं, प्राइम का भाड़ा खा रहे हैं मिनी वाले, एंड इवन जो मिनी वाले यानी कि हम लोग जो मिनी कैटेगरी के आते हैं, हम लोग का भी भाड़ा जो है वो यही सेम जो है मिनी वाले जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं वो लोग खा रहे हैं। अभी कैसे ये मैं क्लियर करूंगा, मान के चलो कि 5 पोकेमोन है एक लोकेशन पे जिनको गाड़ी बुक करनी है, 5 नहीं समझो 10 है पोकेमोन, 10 पोकेमोन को गाड़ी बुक करनी है और उस लोकेशन पे सिर्फ और सिर्फ 5 उबर गो या फिर ओला की मिनी गाड़ी अवेलेबल है, यानी कि जो वैगनर सेलेरियो रहती है वैसी वाली गाड़ी अवेलेबल है। पर अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, प्राइम वालों को भाड़ा नहीं मिल रहा है, यानी कि डिजायर वाले को भाड़ा नहीं मिल रहा है, तो डिजायर वाला प्राइम के कैटेगरी से कौन से कैटेगरी में उतर रहे, मिनी के कैटेगरी में, यानी कि जहां पे 5 गाड़ी होनी चाहिए थी वहां पे अभी वो आगे 10 गाड़िया, 10 गाड़िया आल्यामुळे काय झालं कि जो पोकेमोन थे जिनका क्वांटिटी था 10 और गाड़ियों की क्वांटिटी थी पहले 5 उसके जगह पे हो गए 10, तो अभी सर्च प्राइस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? एक सिंपल चीज है जो कॉमर्स में सिखाई गई है कि अगर सप्लाई बढ़ गया तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगा और अगर सप्लाई जो है वो घट गया तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या है पता है, सप्लाई और डिमांड दोनों एक ही लेवल पे है तो सर्च प्राइस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? सेम हो रहा है प्राइम में। अभी समझो अगर एक लोकेशन है उस लोकेशन पे खाली और खाली 10 पोकेमोन है जिनको बुक करने प्राइम और प्राइम की गाड़ी अवेलेबल है सिर्फ 5, पर ऐसे कुछ फ्रॉड ड्राइवर है जो लोग अपने वैगनर सेलेरियो और एक्सप्रेसो जैसे गाड़ी को प्राइम में इन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया प्राइम कैटेगरी में। अभी प्रॉब्लम क्या होगा, जहां पे प्राइम का रेट बढ़ना चाहिए था वो रेट बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 5 के जगह पे वहां पे 10 गाड़ियां आ गई है, यानी कि एक्सप्रेसो वैगनर सेलेरियो ये सब गाड़ी भी प्राइम में आ गई है, तो वहां पे रेट बढ़ेगा रेट नहीं बढ़ेगा? अभी ये जो पूरी कहानी है जो मेरे को पता चली है कि ये लोग ऐसे ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं वैगनर सैलरियो और एस्प्रेसो, एस्प्रेसो का तो नाम ही सुन के मुझे हंसने आ रहे हैं कि एस्प्रेसो जैसे गाड़ी ये लोग प्राइम में चला रहे, तो ऐसे सब गाड़ियों के बारे में मेरे को कैसे पता चला, ये सबसे पहले मैं क्लियर करूंगा। अपने एक ड्राइवर भाई है जो रहते ठाणे में, उन्होंने जस्ट अभी न्यू ज्वाइन किया है 2023 का नया डिजायर टूर गाड़ी उन्होंने बुक किया है, 8.5 लाख रुपए वाला नहीं है वो, टूर के ऊपर वाला मॉडल, मतलब उन्होंने अपने गाड़ी को मैकविल वगैरह हर एक चीज बटाया और उसको पूरा टॉप मॉडल जैसा बना है, यानी कि कम से कम 8.80-8.90 तक उनका गाड़ी चला गया। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके एरिया में उनका एक दोस्त है जो चला रहा है वैगनर, हालांकि इसके साथ दोस्ती कब हुई थी, जब गाड़ी लेते हैं वहाँ पे शोरूम में आया था तो वैसे इनके साथ दोस्ती हो गई थी।
अभी ये भाई ने भी गाड़ी लिया है 2023 का वैगनर और इन्होंने भी लिया है 2023 का डिजायर। अभी ये सब कहानी इन्होंने मुझे बताई, एरिया में एक वैगनर वाला है वो ऐसे ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं, वो पूरा प्राइम का भाड़ा मार रहे हैं, तो भाऊ तुम्ही एक वीडियो बनवा। मी बोलतो ठीक आहे चालेल, काय हरकत नाही, मी व्हिडिओ बनवतो, पण तुमच्या साईडने एक काम तुम्ही करू शकतात का? यही मैंने सिंपल एक रिक्वेस्ट किया। उन्होंने बोला क्या? मैंने बोला देखो भाई कि जो वो बंदा है जो ये ऐसा गलत काम कर रहे हैं उसको आप बोलो कि ये गलत है, आप सिर्फ और सिर्फ मिनी में चलाओ, ये कैटेगरी में मत चलाओ। अभी ये जो भाई है डिजायर वाले, ये मुझे क्या कह रहे पते, नहीं भाऊ ते पॉसिबल नहीं है। कसे माहिती है, माझा मित्र है तो। मैं बोला ठेवा मैं पाळा असे मित्र। अभी ऐसे मित्र भी तुम लोग को चाहिए, तुम लोग को प्राइम का भाड़ा भी चाहिए, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो कह रहे कि नहीं मेरा दोस्त है, जाऊ दे ना त्याचं नशीब, पण तुम्ही व्हिडिओ मध्ये सांगा ना बाकी चांना। मैं उसको तभी क्लियर किया, भाई ये त्याचं नशीब नाही, ये तेरा नशीब था। यानी कि जो तूने 2 से 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा भरा है, अभी बहुत लोग बोलेंगे कि 2.5 लाख कैसे, इंटरेस्ट पकड़ के तो 2.5 लाख ही चले जाते हैं। तो 2.5 लाख रुपया तुम लोगों ने एक्स्ट्रा भर के भी तुम लोग को भाड़ा कौन सा मिल रहा है, तुम लोग को भाड़ा मिल रहा है मिनी का। और जिसने 6 लाख रुपया भरा है और 7 लाख रुपया भरा है उसको भाड़ा कौन सा मिल रहा है, उसको भाड़ा मिल रहा है प्राइम का। यानी कि तुम लोग का नसीब ये लोग लेके जा रहे हैं। आज तुम लोग का नसीब गया, कल तुम लोग का घर जाएगा, परसों तुम लोग की बाइक हो जाएगी उसके पास, क्या करोगे फिर? ऐसे बोलते रहोगे आमचा नसीब आमचा नसीब? नशीबाला आपल्या चेंज करायची ताकद ठेवा, उतना पावर रोको कि अपना आवाज उठाओ और सामने वाले को बोलो कि ये चीज गलत है। जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाओगे तब तक मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता ना। आप लोग से साइड से पहला एक स्टैंड आप लोग उठाओ कि आप लोग जाके उन लोग को बोलो कि ये सब चीज गलत है। अभी इसके लिए एक सॉल्यूशन है, ये भी है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गलत है गलत है अपन लोग करते बैठ सकते, एक सॉल्यूशन भी निकले कि मेरा जो दोस्त है जो उबर के आईटी कंपनी में काम करते हैं उसको ये सब चीज पता चल गई है, तो उसने भी मुझे बताया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा फ्रॉड चल रहा है। मैंने बोला अरे पहले तो बताने का, वीडियो बना देते थे अपन। तो उसने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा फ्रॉड चल रहा है, इवन ओला कंपनी जो है इस पे एक्शन लेने के लिए चालू कर रही है, पर उबर ने ऑलरेडी एक्शन लेने के लिए स्टार्ट कर दिया, ओला का स्टार्ट होने वाला एक्शन लेने के लिए। कैसे पता, एक दूसरे कंपनी ना सिबलिंग कंपनी, कॉपी करते रहते एक दूसरे को। अभी सीन क्या पता है, उबर वाले क्या कर रहे हैं एक्शन लेने के लिए, पहले मैं क्लियर करूंगा। उबर वाले एक्शन लेते वक्त सामने वाले जो ड्राइवर को वीडियो कॉल कर रहे हैं, एक सेकंड, पर ये वाला सीन तो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कस्टमर्स के लिए एक चीज बोलूंगा कि आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, अगर ऐसे सिचुएशन में अगर कोई ड्राइवर आ रहा है आपको पिकअप करने के लिए, यानी कि ड्राइवर का नाम वहां पे शो है अर्जुन कपूर और अर्जुन कपूर लेके आने वाले मर्सिडीज ऐसा आपको शो है वहां पे, पर मर्सिडीज के जगह पे वहां पे जब आ रही है मारुति सुजुकी की गाड़ी, तो आपको वहां पे एक चीज करनी है, सिंपल चीज, यानी कि सीडान के जगह पे आ रही है हैचबैक, आपको सबसे पहले वो गाड़ी का फोटो क्लिक करना है। फोटो क्लिक करने के बाद वो राइड एंड होने के बाद या फिर राइड चालू होने के पहले आप कंप्लेंट रेज कर सकते हैं उस ड्राइवर के ऊपर। वहां पे एक ऑप्शन रहता है मेंशन किया हुआ कि द कार इज नॉट द सेम, यानी कि जो ड्राइवर ने गाड़ी लेके आया था वो गाड़ी और ये गाड़ी मैच नहीं हो रही है। तो कंप्लेंट डालने के बाद कंपनी क्या करती है, कंपनी देखती है कि अगर फोटो है या नहीं है। तो जो मैं पहले बात बोल रहा था वो यहाँ पे आ गई कि कंपनी देखेगी कि अगर गाड़ी का जो कंप्लेंट डाला है उसमें फोटो है या नहीं है, तो फिर अगर फोटो रहेगा तो वहां पे वो गाड़ी का जो आईडी है वो ब्लॉक होगा। मैं क्लियर कर रहा हूं फिर से एक बार, गाड़ी का जो आईडी है वो ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि वो गाड़ी फिर से फ्यूचर में किसी को बेचने के बाद वो ओला उबर में अटैच नहीं होगी, क्योंकि वो ओला एंड उबर में ब्लैक लिस्ट में शो करेगी वो कार। उसके बाद यहाँ पे और एक चीज है, अगर आपने फोटो नहीं क्लिक किया और आपने डायरेक्टली कंप्लेंट लॉन्च की है, तो डायरेक्टली कंप्लेंट लॉन्च करने के बाद यहाँ पे आगे का प्रोसेस क्या रहते हैं वो मैं आपको क्लियर करूंगा। उबर कंपनी के तरफ से वीडियो कॉल जाने के लिए स्टार्ट हो गया हर एक ड्राइवर भाई को, तो वहां पे वीडियो कॉल पे वो लोग एक ही चीज पूछ रहे कि क्या हम लोग आपकी गाड़ी देख सकते हैं या नहीं। नॉर्मल कॉल्स भी जा रहे हैं, पर नॉर्मल कॉल्स में भी वो लोग यही बोल रहे हैं कि हमको वीडियो कॉल में आपकी गाड़ी देखनी है। अभी बहुत से ड्राइवर लोग क्या कहेंगे कि नहीं मैं ओला के भाड़े पे हूँ, मैं उबर के भाड़े पे हूँ, मैं अभी भाड़े पे हूँ। वो लोग बोलते हैं कि 1 घंटे के आपके पास टाइम है, 1 घंटे में आपको आपकी कार हमको वीडियो कॉल में दिखानी है, मतलब है। अगर आपने आपकी कार 1 घंटे में वीडियो कॉल में नहीं दिखाई तो फिर आपका जो आईडी है वो ब्लॉक हो जाएगा, नंतर बोम लगभग सर। तो ये जो एक्शन है जो कंपनी ने अभी स्टार्ट किया लेने के लिए वो बहुत ही जबरदस्त वाला एक्शन है मेरे हिसाब से तो। क्योंकि देखो एक चीज मैं क्लियर करूंगा, जो लाइफ मध्ये आम्ही पण केले, हम लोगों ने कंपनी को फंसाया था, यानी कि फेक बुकिंग मार के हर एक चीज, वो मतलब बोलते हैं ना इंसेंटिव वगैरह कमाने के लिए, वो जो भी चीज हम लोगों ने हरकतें की थी वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के रिलेटेड। आज तक ये लाइन में हम लोग को 6 या 6.5 साल हो गए, पर आज तक कभी भी किसी पॉकीमोन को या फिर किसी पैसेंजर को क्लाइंट को हम लोगों ने फंसाया नहीं है। यानी कि जब भी वो गाड़ी में बैठते और चलो अपने को बुकिंग आ गया अभी कल्याण का, और बीच रास्ते में जाने का हम लोगों ने कभी भी उन लोग को ये चीज नहीं बोला कि नहीं ट्रैफिक लग रहा है काम करो आप लोग 500 रुपए एक्स्ट्रा दे दो नहीं तो यहाँ पे उतर जाओ, ये गलत है। जब भी हम लोग को ऐसा लगा कि हम लोग को सामने से मांगना चाहिए
तो अगर सामने वाला पैसेंजर बोल रहे हैं हम लोग को कि कल्याण के बदले आपने को जाने विट्ठलवाड़ी आगे या फिर हम लोग को उल्लासनगर आगे जाना है, आप लेकर जा सकते हो, तब भी हम लोगों ने एक्स्ट्रा प्राइस मांगा है और हक है अपना। ना ही हम लोगों ने कभी भी किसी ड्राइवर भाई को फंसा है ये लाइन में, यानी कि अपना गाड़ी मिनी में चल रहा है तो ऊपर कैरियर लगाओ, डिजायर वाले का जो भी भाड़ा रहेगा सामान वगैरह वो अपने कैरियर पे रखो और वो भाड़ा मारो, ये सब चीज हम लोग ने कभी लाइफ में की नहीं है। ना ही अपने गाड़ी में कभी ऐसा भी फ्रॉड किया कि चार जन का गाड़ी का कैपेसिटी है, चार के जगह पे पांच या छह जन को बिठाओ और मस में जो उबर की एक्सेल गाड़ी रहती है यानी कि अल्टिगा वैसे वाले उन ड्राइवर को फंसाओ, ये वाला कभी भी हम लोगों ने फ्रॉड नहीं किया। और फ्रॉड जो भी करता है ना उन लोग के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही चीज बोलूंगा, कर्म जे आहेत ना तुम्हाला, तुम्हाला तुमच्या कर्माची फळं इकडेच फेडायची आहे, तुम्हाला दुसरीकडे कुठे फेडायची नाहीये। आणि ज्या दिवशी तुमच्या पापाचा घडा भरेल त्या दिवशी तुमच्या आयुष्याचे काटे फिरतील, तो वो टाइम के लिए आप लोग वेट मत करो प्लीज, कृपया करके ऐसी वाली जो हरकत है जो लोग भी कर रहे ड्राइवर लोग वो लोग मत करो, क्योंकि ये लाइन में अगर आप लोग को लाइफ टाइम के लिए टिकना है ना तो फिर ये सब हरकत करके आप लोग कभी भी नहीं टिक सकते। सिर्फ यही लाइन में नहीं, आपके आयुष्य में जितना भी आपका लाइफ में आगे का भी जो भी लाइन रहेगा ना उसमें भी आप लोग टिक नहीं सकते। मार्केट में टिकने के लिए ना थोड़ा सा लॉयल बनना जरूरी है, इस तरह से बेवफा गर्लफ्रेंड की तरह बन के मतलब नहीं है, थोड़ा सा बन रहे हो तो लॉयल बनो, अच्छे से कमाओ, अपने पेट के लिए काम कर रहे हो, जितने भी प्राइम वाले वो लोग भी पेट के लिए काम कर रहे हैं तो उन लोग के बारे में भी थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा तो शर्म करो। आज का वीडियो देख के अगर आप लोग को थोड़ा सा भी शर्म आता रहेगा ना, जो भी इंसान है वो लोग अपना यहाँ पे जो अपना प्राइम अटैच किया है वो बंद करेगा तो बहुत अच्छी है, अगर नहीं करेगा तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी ना कभी आप लोग को वीडियो कॉल जाएगा। और अभी बहुत से लोग यहाँ पे वो लोग ये सोचते रहेंगे कि भाऊ मैंने तो मेरी गाड़ी अटैच की थी प्राइम में, पर जैसे मेरे को ये पता चला ये सीन कि ऐसे ऐसे सीन है तो मैंने मेरा प्राइम ऑप्शन चालू नहीं किया है, तो अभी मैं क्या करूं, मतलब मैं प्राइम के बुकिंग एक दूसरे मैंने मारे थे पर जब से मेरे को पता चला कि ये गलत चीज है तभी से मैंने मारना बंद किया। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है क्लियरली बताऊंगा। आपको सामने से जाना है ओला उबेर के ऑफिस में, कहना है कि एजेंट के थ्रू मेरे यहाँ पे फ्रॉड हुआ है मेरे एप्लीकेशन में, तो ये फ्रॉड होने के कारण मेरे ये जो बुकिंग्स है वो मार रहा था। अभी यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो शाना बन के जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ हम लोग को भी पता नहीं था ये प्राइम का बुकिंग था या कौन सा था, तो यहाँ पे कंपनी जो है वो चेक करती है आपने कितने भाड़े मारे, मैक्स टू मैक्स तीन या फिर पांच, पांच के ऊपर अगर आपने भाड़े मारे रहेंगे तो फिर आपका आईडी वहां पे जाके भी ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए ये मत सोचना कि आप लोग जाओगे वहां पे और अपनी गवाही दोगे तो आपका आईडी सेफ है, अगर किसी ने पांच के नीचे भाड़े मारे रहेंगे प्राइम के तो ही उन लोग का आईडी सेफ है, नहीं तो उसके बाद अगर मारे रहेंगे तो कृपया करके मत जाओ, कभी ना कभी वैसे भी आपका आईडी बंद ही होने वाला है तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकते। तो आज का जो वीडियो है ये यहीं पे समाप्त, प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करना काही तरी तुमच्या साइडने तुम्ही चांगले सुविचार अशा ड्रायव्हर लोकांना ते तुम्ही मेंशन करा कमेंट सेक्शन में, आपका जो भी कमेंट्स है अपन पढ़ेंगे, हर एक चीज अपन पढ़ेंगे, उसको लाइक करना इस वीडियो को, भर भर के इस वीडियो को आपको पता है क्या करना है, शेयर करना है जितना भी व्हाट्सएप का ग्रुप है, बदलापुर कल्याण विरार वसई थाना मुमरा जितना भी ग्रुप रहेगा आप लोग का वो हर एक ग्रुप में ऐसे वीडियो को शेयर करो, क्योंकि क्या पता है ये जितने भी धोखेबाज लोग है वो अपने साथ ही उठे बैठे और अपनी मार रहे हैं वैसा वाला सीन हो रहा है। तो इस वीडियो को भर भर के शेयर करना है, अगर अपने चैनल पे नए है देन ऐसे इन्फॉर्मेशन फक्त आपल्या चॅनलवर भेटणार आहे, बाकी कुठे नाही भेटणार आहे। तर तुम्हाला एकच गोष्ट करायची, इकडे सबस्क्राइब बटन आहे त्याला प्रेस करा, त्याला प्रेस करून सबस्क्राइब करा, असे इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओ तुम्हाला भेटत राहतील। सो दिस इज स्मिथ सायनिंग ऑफ फ्रॉम माय चॅनल स्मिथ अँड यू, सो बाय बाय, टेक केअर, कीप स्माइलिंग, बी हॅपी, ड्राइव सेफ अँड बी सेफ, सो जय हिंद आणि जय महाराष्ट्र, बाय बाय।